हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का प्लॉट साइज रहेगा दोस्तों 25 फीट बाय 40 फीट का बिल्डर फ्लोर प्लान। 110 गज के अंदर हमने 2 BHK हाउस प्लान बनाकर आपको दिया है। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, बिकॉज हम इसी तरीके की जो वीडियोज़ हैं लेकर आते रहते हैं। सो अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड हैं या अपना मकान बनाने वाले हैं तो ये चैनल आपके लिए कम्प्लीटली बेनिफिशियल रहने वाला है। सो ये चलेंगे हमारी वीडियो की तरफ। सो गाइस, प्लॉट के विड्थ देखेंगे 25 फीट है। प्लॉट की अगर हम लेंथ की बात करें तो वो रहेगी आपकी 40 फीट। सो 25 बाय 40 फीट का प्लान है। फ्रंट साइड से आपके पास रोड रहेगी, बाकी अदर तीनों साइड आपके अदर प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ आपके पास रोड है। स्लैब का एरिया देखेंगे 1040 स्क्वायर फीट का आपका स्लैब का एरिया रहेगा। सो पीछे की तरफ देखेंगे, हमने राइट कॉर्नर में आपको दी है आपकी स्टेयरकेस। 3 फीट वाइड ये स्टेयरकेस रहेगी। इस तरीके से क्लॉकवाइज अगर आप चलते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में आप चलेंगे, यहाँ से देखेंगे तो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द शेल्फ फ्लोर आप चले जाएंगे। सो आपके घर का मेन दरवाज़ा रहेगा 3 फीट 3 इंच वाइड, मेन दरवाज़ा है, यहाँ से आप इसको एक्सेस करने वाले हैं। एक्सेस आप करेंगे सीधा पैसेज के अंदर दोस्तों। 12 फीट 9 इंच बाय 4 फीट का पैसेज है। सामने आपको यहाँ पर एक ओपनिंग दिखेगी। आपके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक की चेन शू रैक टाइप का कुछ एक आपके पास फर्नीचर रहेगा। नीचे देखेंगे आपका लिविंग एरिया रहेगा 24 फीट 3 इंच बाय 10 फीट का आपका लिविंग लॉन्ज रहेगा। एंट्री करेंगे तो सामने आपके पास यहाँ डाइनिंग रहेगी। 4 सीटर या 5 सीटर डाइनिंग आप यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं। इधर देखेंगे तो आपके पास एक 3+2 5 सीटर सोफ़ा या फिर आप एल शेप में सोफ़ा यहाँ पर रख सकते हैं। सामने पूरी दीवार पर TV पैनलिंग कर सकते हैं। पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक आपका फर्स्ट बेडरूम रहेगा। यहाँ से आप इसको एंट्री करने वाले हैं। 11 फीट 2 इंच बाय 12 फीट 10 इंच का आपको बेडरूम का साइज मिलेगा। इस तरीके से बेडिंग देते हुए सामने की तरफ TV पैनलिंग आप कर सकते हैं पूरी दीवार पर। नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पर 6 फीट की अपनी अलमीरा प्रोवाइड कर पाएंगे। पीछे देखेंगे तो हमने आपको 3 फीट की बैल्कनी दी है 5 फीट के रियर सेटबैक के अंदर। सो जो 2 फीट का स्पेस है ये आपका रहेगा ओपन टू स्काई। ये 3 फीट आपकी रहेगी बैल्कनी, यहाँ रहेगी आपकी ग्लास रेलिंग। ये आपके पास रहेगी आपकी स्लाइडिंग विंडो। यहाँ पर आप 6 फीट से 8 फीट तक की अपनी स्लाइडिंग विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप जाएंगे अपने बैल्कनी के अंदर। इधर आप अपनी वाटर टैप्स वगैरह लगाकर इसको एज एन यूटिलिटी एरिया यूज़ कर सकते हैं। इधर देखेंगे तो आपके पास रहेगा आपका वेंटिलेटर फॉर द स्टेयरकेस वेल। कॉमन टॉयलेट आपको मिलेगा दोस्तों 4 फीट 9 इंच बाय 8 फीट 6 इंच का आपको कॉमन बाथरूम रहेगा। 2.5 फीट के दरवाजे के थ्रू आप अपने बाथरूम में एंट्री करेंगे। लेआउट की बात करें तो एंट्री के साथ ही आपके पास रहेगा आपका बेसिन, फिर आपकी रहेगी WC एंड लास्ट में है आपका बेथिंग एरिया। 2 फीट बाय 2 फीट का वेंटिलेटर प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन ऑफ दिस बाथरूम एरिया। सो गाइज, यहाँ तक तो था आपका एक बेडरूम, आपका लिविंग एरिया, आपका कॉमन टॉयलेट, स्टेयरकेस लॉबी। नीचे देखेंगे आपकी रहेगी किचन एंड आपका मास्टर बेडरूम। ओपनिंग के थ्रू आप किचन के अंदर एंट्री करेंगे। 8 फीट बाय 10 फीट 8 इंच के आपको किचन का साइज मिलेगा। सी टाइप में अपनी किचन की स्लैब लगाएंगे। सामने देखेंगे यहाँ पर आपको सिंक रखने की स्पेस है। यहाँ पर आपके पास आपकी गैस स्टोव रहेगी चिमनी के थ्रू, जो कि वेंट आउट हो जाएगा। यहाँ आप अपना रेफ्रिजरेटर रखेंगे। फ्रंट साइड में देखेंगे तो 4 फीट की विंडो है आपके पास। बेडरूम की तरफ चलें दोस्तों, यहाँ से आप बेडरूम के अंदर एंट्री करने वाले हैं। 10 फीट 9 इंच बाय 10 फीट 8 इंच का आपको बेडरूम का साइज मिलेगा। इस तरीके से बेडिंग करते हुए सामने TV पैनलिंग आप लगाएं। ओपनिंग के थ्रू आप ड्रेसिंग के अंदर एंट्री करेंगे। 4 फीट 9 इंच बाय 4 फीट 9 इंच की ही आपको ड्रेसिंग का साइज मिलेगा। यहाँ पर अपनी अलमीरा लगा सकते हैं। इधर आप अपना मिरर वगैरह लगाकर पूरी दीवार पर एज एन ड्रेसिंग एरिया इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे देखेंगे अटैच बाथरूम आपको मिलेगा। 4 फीट 9 इंच बाय 8.5 फीट का आपको कॉमन अटैच बाथरूम मिल रहा है विथ हमारा टिपिकल लेआउट के साथ। बैल्कनी में देखेंगे तो जो आपका बेडिंग एरिया रहेगा वो हमने बैल्कनी के अंदर एक्सटेंड किया है। सो दैट ये जो बैल्कनी वाला एरिया है, इधर से आपको कुछ एलिवेशन में खेलने के लिए भी आपके पास एक स्कोप रहे। अदरवाइज आपके पास काफ़ी स्ट्रेट फसाड हो जाता है, एलिवेशन में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है उसको ब्यूटीफाई करने के लिए। सो स्पेस का यूटिलाइज करते हुए साथ ही एलिवेशन का सोचते हुए हमने आपका जो बेडिंग एरिया है वो हमने एज एन बैल्कनी को कवर किया है। 3 फीट की बैल्कनी है फ्रंट साइड में। सो गाइज, ये हमारा आज का प्लान था 25 फीट बाय 40 फीट के अंदर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं प्लान कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चैनल पे बने रहिए दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।